वो सब हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि इस तरह का कार्यक्रमों के लिए समय हम लोगों को देना कई ऐसे पढ़े लिखे लोगों को लगता व्यर्थ है, लेकिन हम जैसे लोग या मंच पर विराजमान जितने भी आपको आज आपके अतिथि दिख रहे हैं, उनको लगता है अपने बुंदेलखंड की जो भी एक प्रतिभा है, जिस प्रकार की इस तरह के गीत होते हैं वो भैया जब बजा रहे थे उनके अपन ऊर्जा देख सकते हैं, और हम लोग जिस प्रकार का अभी गीत सुना है वो गीतों में जो ताकत होती है वो हम लोग राष्ट्र को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। और सिर्फ भाषण सुनने से या पुस्तक पढ़ने से या कहीं जाकर किसी संत महात्माओं के प्रवचन सुनने के मात्र से हम लोग को कोई नई ऊर्जा नहीं आती है, लेकिन जब हम लोग मन से कोई देशभक्ति गीत गाते हैं, मन से कोई भजन गाते हैं, मन से कोई गुरु की वंदना करते हैं, तो अपने आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा आती है। और जब तक कि युवाओं के अंदर ऊर्जा नहीं होता वो देश के लिए कोई उपयोगी नहीं बन सकता। इसीलिए आप लोगों को लग सकता है अरे हमारे यहाँ पर टीम कम आया, टीम से क्या होता है, यदि अपने इस छतरपुर के लिए हो, आपके जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हुए, बिजावर से है, नौगांव से है, और अपना गौरीहार से है, और अपने राजनगर से है, जितने भी बंधु यहाँ पधारे हैं आप सब लोग काफी हो। यदि इस तरह की उत्साह आप इसी छतरपुर में मिल रहा है तो इसी तरह का उत्साह आप अपने अपने केंद्रों पर जाकर जो भी गीत यहाँ पर आप लोग गाए हो वो दूसरों को सिखाइए। एक बांगा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमको बुलाए थे बुंदेलखंड की प्रतिभा खोज में, तो हमको पत्रकार बंधु पूछते हैं ये कलाकारों को बड़ा बड़ा मंच नहीं मिलता, कहाँ मिलेगा। तो हमने कहा हर एक व्यक्ति यदि बड़े चीजों के तरफ ही देखना शुरू करेंगे तो छोटे लोगों का क्या होगा, छोटे मंच का क्या होगा, को मंच नहीं चाहिए। हमारा मंच है हमारा गांव, हमारा राजनगर, हमारा गौरीहार, हमारा छतरपुर, क्यों ना हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ये गीत, ये कहानियां, ये जितनी भी बातें अपने साथ के लोगों को सुनाए सिखाए, क्योंकि आपस में हम लोग यदि प्यार से मिल बैठकर इस तरह की भजन कीर्तन करेंगे बड़ी बड़ी आपदाएं, बहुत बड़ी बड़ी संकटें दूर हो सकती है। और कल की घटना हो या ये जो तीन चार दिन में अपने भारतवर्ष में जिस प्रकार का पानी आंधी हुआ है, कई ऐसे लोग हैं जिनको बच्चों की बच्चियों की शादियां करना है, और आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा दो किसान ऐसे होते हैं सुबह सुबह अपनी खेती में जाते हैं और इतनी ओलावृष्टि हो चुकी होती है, वो उसको देख कर वहीं पर उनको हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो अपने देश में हम सब लोग यदि निर्भर है तो भगवान के ऊपर निर्भर है, और वो भगवान यदि हम लोग से रुष्ट हो जाते हैं और वो आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि भगवान ने हमारे साथ गड़बड़ किया तो उसको हम झेल सके, और भगवान के पास ही फिर वो चला जाता है। इसीलिए हम युवाओं से और महिलाओं से, माताओं से और ये बहनों से निवेदन करते हैं, अपने सामने समस्या तो आते रहेंगे, लेकिन समस्या आ गया 10वीं कक्षा में हम लोग अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ, सीधा हम लोग भगवान के पास जाना तय कर लेते हैं और गलत रास्ता पकड़कर हम लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। इसीलिए हम आप लोगों से करबद्ध निवेदन करते हैं, कुछ भी हो जाए अपना जीवन भगवान ने दिया है, लेकिन हम लोग अपने कर्तृत्व से अपने जीवन बना सकते हैं। इसीलिए आप लोग अपना जीवन को खुद बनाइए, जब तक कि यमराज अपने सामने आके खड़े होके मांग न ले हम अपना प्राण नहीं दें। प्राण और आत्मा नहीं है वो कभी गा नहीं सकता, वो कभी नाच नहीं सकता, वो कभी दूसरों को सुख नहीं दे सकता, खुशी नहीं दे सकता, स्वावलंबी नहीं बना सकता, खुशहाली का जीवन नहीं दे सकता। इसलिए नेहरू युवा केंद्र के साथ लगे हुए जो भी समितियां इस तरह के काम कर रहे हैं उनको हम लोग तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग हमारे लिए इतना देर इंतजार किया इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा वो कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन हम दिन भर आज भी सुबह से काम पे रहे थे और हमने बोला हमारे भैया लोगों से, जितेंद्र जी, भाई साहब और प्रदीप जी से, आप पहुँचिए हम पीछे से आ रहे हैं। सिर्फ हम एक काम छोड़ सकते थे, वो सिर्फ भोजन छोड़ सकते थे, उसके अलावा जो भी काम हमने किया है वो लोगों का काम था। हमें लगा खाना छोड़ देते हैं तो 10-15 मिनट बचेगा, चले चलते। तो हमारे साथी कहते हैं जो पप्पू गौतम ड्राइवर है, वो भैया कहते हैं किसी के लिए तो आदमी जीता है। खाना भी छोड़ दोगे तो वहां जाके बोलने लायक बचोगे नहीं, शायद मेरी आवाज से भी आपको समझ में आ रहा होगा।
हम जिस संस्थान में रहते हैं राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी का कल चतुर्थ पुण्यतिथि थी। कल वो उस दुनिया को छोड़कर यह लोग पे चले गए थे, तो हम लोगों ने चतुर्थ पुण्यतिथि का कार्यक्रम बहुत भव्यता से किया। वहाँ पे भी पानी बरसा, लेकिन जब दिल में इच्छा होती है, करने की जो शक्ति होती है, अच्छा मन से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो भगवान ओले भी बरसा रहे थे और खूब बिजली भी तड़कड़ा रहे थे। अपने यहाँ पर 6,000 स्कूल के लोग प्रसाद पाते हैं, अच्छे से कार्यक्रम होता है। इसीलिए आप सब साथियों को मैं ऐसी चीज़ बताना चाहती हूँ, बिना गीत कहानी का जीवन नहीं है, तो गीत गाते रहिएगा, लोगों को खुशी देते रहिएगा। चिंतामणि जी थे ना वैसा, जो पहले गाए थे, क्या गाए थे, और अभी एक बोले थे कि पूरा हम सब लोग मिलजुल कर अपने भारत को बनाना है, हिंद मिलकर बनाना है, जाति भेद, रंग भेद, मत भेद, मन भेद, कोई भेद भारत को बनाने में नहीं रहना चाहिए। राष्ट्र को यदि बनाना है, देश को यदि बनाना है, हम सब लोग एक होके करें। इसीलिए हम आप सब लोग बुंदेलखंड गीत गा रहे, हमको भी आते हैं, लेकिन हम आपको राजस्थानी गीत 2 लाइन सुना कर, क्योंकि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो उसके लिए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मैं देश से आई, इसके लिए नागरिक साहब से क्षमा चाहते हैं, आनंद साहब से भी, क्योंकि हम सच में काम पे लगे हुए थे और बीच में आधा घंटे का कुछ ट्रैफिक जाम था। राजस्थानी गीत है, छोटा सा हो सकता है आप लोग की जैसा ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे। हे रूनी चेहरा धनिया राजा अजमल राका वार माता मेघा तेरा लाल ताले नेत्र ता पर ताल मारो हेलो रे मारो हेलो सुनो जीना बापी रे मारो हेलो सुनो जीना बापी। हे रूनी चेहरा धनिया राजा अजमल राका वार माता मेघा तेरा लाल रानी नेत्र ता पर ताल मारो हेलो हेलो सुनो जीना मापी मारो हेलो सुनो जीना मापी। दास करे अरदास वीर जी मैं कालो नाग जी, दास करे अरदास वीर जी मैं कालो नाग जी, सुना तेरा राम देव जी सुनो के तो आओ जी सभी अपने छतरपुर के देव देवताओं से बुंदेलखंड के अपने ओरछा महाराज जी से सभी से ही निवेदन करते हैं, हम सब लोग खुशहाली का जीवन व्यतीत करें। ओले गिरेंगे, बारिश होगा, नदियां बाढ़ आ जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन मानव जीवन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन को हम लोग सुरक्षित रखते हुए बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छे से रहे। जो प्रथम आए, द्वितीय आए, तृतीय आए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और अपने अपने घर को जाइएगा। जो भी बंधु कष्ट में है उनका कष्ट निवारण करने में आप सब हम सब लोग अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, यही नेहरू युवा केंद्र का अपना एक शायद ध्येय है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और आयोजन समिति के सभी को एवं उपस्थित महानुभावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।